हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ एनएससी, एनएससी के क्या क्या एडवांटेजेस बेनिफिट होते हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो है वो है वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी। द एनएससी इंश्योर्स वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी थ्रू सैटेलाइट लिंक्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी, कंप्यूटर टर्मिनल एंड लिंक्स विद वीसेट हेल्प द ट्रेडर्स टू कॉन्टैक्ट देयर काउंटर पार्ट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री क्विकली। द क्विक ट्रेडिंग सिस्टम इंश्योर्स बेटर प्राइजिंग। वाइडर एक्सेबिलिटी का मतलब क्या है? जो एनएससी है वो ऑल ओवर कंट्री सारे इन्वेस्टर को मदद करता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन बैठे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका वो है ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन। ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? द मेजर एडवांटेज ऑफ द एनएससी ट्रेडिंग इज द कम्प्लीट ट्रांसपेरेंसी। इसमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब ऐसा कोई नहीं होता कि इसमें आपको कोई गलत चीज़ें दिखा दी होती। इसमें जो रहता है आपके सामने ऑनलाइन रहता है, आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल भी कोई भी गलत मतलब फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है मैचिंग ऑफ ऑर्डर। मैचिंग ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है? वंस द ऑर्डर हैड फेड इनटू द कंप्यूटर सर्चेज एंड फाइंड आउट द सुटेबल मैचिंग ऑर्डर सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्लेस बाय द इन्वेस्टर और द ट्रेडर। देखिए, मैचिंग ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब होता है? जैसे जो इन्वेस्टर है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो अपनी सारी चीज़ों को कंप्यूटर में फिट करता जाएगा। जैसे कितने समय के लिए करना है, किस सिक्योरिटीज़ में करना है, और कितना वो रिस्क लेना चाहता है, कितना वो रिटर्न चाहता है। जब वो सारी चीज़ें फीड कर देगा कंप्यूटर में, तो जो कंप्यूटर होता है उस हिसाब से उसको सर्च करके सिक्योरिटीज़ बता देगा कि ये सिक्योरिटीज़ आपके लिए मैचेबल है, आप इन सिक्योरिटीज़ में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर्स आइडेंटिटी। वाइल प्लेसिंग द ऑर्डर देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द मेंबर ऑन द स्क्रीन। इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर, सो विदाउट एनी फियर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसेस एनी मेंबर कैन प्लेस लार्ज साइज ऑर्डर। देखिए, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर्स आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि अगर इसमें जब तक अपना पर्सन न चाहे, जैसे जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो अगर न चाहे कि उसकी आइडेंटिटी को मतलब पब्लिक किया जाए, किसी को भी बताया जाए, तो इसमें क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी को हिडन करके रखा जाता है और उसको तब तक नहीं बताया जाता है किसी को भी जब तक वो ना चाहे। अगर वो चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी सबको बता दी जाए तो वो बताएगा, लेकिन अगर वो नहीं चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी किसी को बताई जाए तो उसकी आइडेंटिटी को बिल्कुल हिडन करके रखा जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, किसी भी तरीके का डर नहीं होता है आइडेंटिटी को लेकर। नेक्स्ट जो और आपका लास्ट पॉइंट होता है वो होता है इफेक्टिव सेटलमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। देखिए, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स, लॉजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन अमाउंट, क्लेम्स ऑन कंपनी ऑब्जेक्टिव्स आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली इन द क्लियरिंग अकाउंट ऑफ द क्लियरिंग मेंबर्स। दिस रिड्यूस द प्रॉब्लम फेस बाय द मेंबर्स इन सेटलमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट। देखिए क्या होता है, अगर कभी भी कोई गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से मान लीजिए कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो भी चीज़ें उनको मिलनी है, ठीक है, या उनको रिडेम्पशन कराना है, तो वो जो भी अमाउंट होता है उनके डायरेक्ट उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसी भी तरीके का कोई डिले वगैरह नहीं होता है। ये मेंबर के लिए एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।